क्या आप भीषण गर्मी से परेशान हैं? हीट वेव से बचने का सीक्रेट आपके किचन में ही छुपा है। जानिए कैसे इमली का पना आपको गर्मी के कहर से बचा सकता है। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक से बचना है तो इमली का पना जरूर आजमाएं। ये टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक न सिर्फ आपकी प्यास बुझाएगी बल्कि लू से भी बचाएगी। राजस्थानी ड्रिंक इमली का पना, जिसे इमली का अमलाना भी कहते हैं, एक रामबाण उपाय है। दिन में दो बार इसे पिएं और देखें कैसे गर्मी आपके सामने हार मान लेती है। मैं डॉक्टर श्रीराम जालोर सुश्रुत आयुर्वेद चिकित्सालय रिटायर्ड SMO जिला आयुर्वेद अस्पताल जालोर से। एक मेरा निवेदन यह है कि अभी जो गर्मी का समय जो चल रहा है, इसमें इमली का पना साधारण लोग बनाते हैं, वो सिंपल लोग भी अपने गरीब से गरीब बना सकते हैं, अमीर भी बना सकते हैं। इमली को भिगो करके पानी में बना लीजिए और पानी बना करके छान के उसमें काला नमक मिला दीजिए और पुदीना का पानी, पुदीना का कल्प बना करके उसका पानी भी ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। गर्मी में तेज धूप और उमस के कारण पसीना बहुत आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए इमली का पना एकदम परफेक्ट है। ये आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और लू से बचाने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इमली का पना आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकता है, जिससे बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। ये ड्रिंक गर्मी में आपके शरीर को ठंडक पहुंचाने का सबसे आसान और किफायती तरीका है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उससे गर्मी नहीं लगेगी और उस गर्मी के कारण से उल्टी दस्त वमन जो होता है, दस्त लगती वो भी नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत सरल और घरेलू उपाय। तो गर्मी में लू से बचने के लिए आज ही इमली का पन्ना बनाएं और इसका जादू देखें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और भीषण गर्मी का मुकाबला करें इमली के पने के साथ। इमली का पना आपका सबसे बड़ा साथी इस गर्मी में। ट्राई करें और राहत महसूस करें। वैसे गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए आप अपनी डाइट में प्याज भी शामिल कर सकते हैं। प्याज में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो गर्मी और लू से बचाने में मदद करते हैं। प्याज की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसके सेवन से शरीर को ठंडक मिलती है। प्याज में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो गर्मी से बचाने और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। प्याज पुदीना और टमाटर की चटनी बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। प्याज विटामिन्स, खनिज और प्लांट केमिकल्स से भरी होती है, इसलिए आपकी सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है। हाँ, एक इसमें आप दूसरा जो प्रयोग है, ये इमली के साथ में आप प्याज का रस भी लें और 20 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम और धनिया 20 ग्राम, अगर इनको सबको मिलाकर के चटनी बना लें तो इनको सुबह शाम खाने के साथ में ले सकते हैं। दोपहर के खाने के साथ में लें, शाम के खाने के साथ में लें, शाम को हल्का भोजन करें और इस प्याज की चटनी से, पुदीने की चटनी से भी लू नहीं लगती है। ये एक रामबाण इलाज है और जनता में ये बहुत प्रसिद्ध है पहले से। लोकल 18 के लिए जालोर से सोनाली भाटी की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी आयुर्वेदिक चिकित्सा डॉक्टर श्रीराम वैद्य के अनुसार है। लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।